कन्हैया गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं। सभी ने बैठे बैठे इस सत्कार में नारा बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी से प्रार्थना है प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हम सब बहुत ही खुश नसीब हैं कि सतगुरु प्यारे पूज्य हजूर पिताजी की पावन अवतार सथली पर हमें आज आने का अवसर मिला और बहुत ही खुशी का यह महीना है। सतगुरु प्यारे पूज्य हजूर पिताजी का पावन अवतार महा, तो सभी ने इस पावन अवसर की पूज्य हजूर पिताजी व समस्त शाही परिवार को एक नारे के रूप में बधाई देनी है जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। जो भी बहन या भाई खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, सभी से प्रार्थना है। और जो नाम वाले जीवों को के लिए रास्ता है पंडाल में आगे की तरफ आने के लिए, उस रास्ते को कृपया खाली रखें। और जो पुरानी साथ संगत है वो कृपया आपको पंडाल में पीछे की साइड में जहां भी जगह मिलती है आप वहीं बैठ जाएं, आपने आगे आने की कोशिश नहीं करनी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संत लुटाने आए खजाने नाम, संत लुटाने आए खजाने नाम के, संत लुटाने आए खजाने नाम के, खजाने नाम के बिना किसी दाम के। आकर सत्संग में बाग बना लो, सच्चे मीठे बचनों पे अमल कमा लो, फायदा उठा लो बात को मान के। खजाने नाम के मिले बिन दाम के। दुनिया में आया किस लिए इंसान, करने वाला है क्या इसका काम, काल की बगार है ढूंढता सदा, असली काम से है अंजाम। जो मन करवाए करता ही जाए, बस कर बुराइयों में बड़े दुख पाए। सत्संग में कट जाते हैं कर्म इंसान के, खजाने नाम के मिले बिन दाम के।
के लिए संत आते हैं, जगह जगह सत्संग लगाते हैं। काल के झूठे देश में सच का डंका बजाते हैं। नाम प्रचार करें, सभी का बेड़ा पार करें, किसी से कोई वैर नहीं, जी सबसे प्यार करें। नुमाइंदे बन कर आते हैं अल्लाह वाहे गुरु राम के, खजाने नाम के मिले बिन धाम के। दवाई सब रोगों की, चिंता मिटाए सब लोगों की, परम सुख इसमें समाया है, करोड़ों लोगों ने अजमाया है। छोड़ कर क्रीत को, पकड़ लो रीत को, लगा लो सतगुरु से अपनी प्रीत को, लेकर नाम बनो हकदार खुशियां तमाम के, खजाने नाम के मिले बिन दाम के। की पुकार लई सुन दाता जी, रोम रोम गाए तेरे गुण दाता जी, हम तो नहीं थे इसके काबिल, आपने सुनाई रबी धुन दाता जी। नाम का प्याला देता नशा निराला, जो पिए शास्त नाम जी से हो जाए मतवाला, नजारे लूट लो जी रूहानी जाम के, खजाने नाम के मिले बिन दाम के, खजाने नाम के मिले बिन दाम के, मिले बिन दाम के। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत ब्रह्मचारी सौदार बाल मुकेश जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। जो भी बहने भाई खड़े हैं, आपसे फिर ये प्रार्थना है, काफी सारी बहनें खड़ी हैं, प्लीज बैठ जाएं, सभी प्रेम से अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुन के विचार के और मन में ये धार के, नाम जप कर जीवन सफल करें। सुन के विचार के और मन में ये धार के, नाम जप कर जीवन सफल करें। संतों की बात सुन फायदा उठा लो जी,
नया भव सागर से पार लगा लो जी। माया की घुमन घेरी फेरी है मझधार के, नाम जप कर जीवन सफल करें। कैद हुई आत्मा पे तरस कमाना है, जेल चौरासी से आजाद कराना है। सोया क्यों पड़ा है बंदे पैर पसार के, नाम जप कर जीवन सफल करे। ओ काम करने वाला नाम ध्याना जी, नरकों के दुख पीछा काल से छुड़ाना जी। नाम के बगैर जाए पूंजी जुए हार के, नाम जप कर जीवन सफल करे। हो हाथ से जो गई आयु उसे पछताए ना, बाकी जो बची है आयु उसको कमाए ना। रहे समझाए शासक नाम जी पुकार के, नाम जप कर जीवन सफल करे। सुन के विचार के और मन में ये धार के, नाम जप कर जीवन सफल करे। नाम जप कर जीवन सफल करे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जो बहनिया भाई आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज भक्ति करने का तरीका नाम शब्द गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन जानना है, तो उनके लिए पंडाल का जो आगे वाला हिस्सा उनके लिए रखा गया है, तो आपने कोशिश करके पंडाल में आगे वाली साइड में आकर बैठते जाना है। और जो पुरानी साध संगत है, यानी जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा से पहले गुरु मंत्र लिया हुआ है, आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपको पंडाल में पीछे जहां भी जगह मिलती है आप कृपया वहीं पर जाकर बैठते जाएं जी। और बहुत दूर दूर तक भी जाम लगे हुए हैं, जो भी ट्रैफिक समिति के सेवादार हैं वो जल्दी से जाम को खुलवाएं ताकि वो साथ संगत भी पंडाल में आ सके जी। तो आप सभी से प्रार्थना है, जो भी पंडाल में खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी। जिनके पास मोबाइल फोन है कृपया उसे स्विच ऑफ कर लें, बंद कर लें, और अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजन बाजी प्यारी सत्संग जीओ, सबसे पहले आपसे प्रार्थना है, माता बहनों चुप करके बैठ जाओ। आपसे कब से प्रार्थना करने, सेवादार बहने बोलो ना, आप इशारे से बिठाओ ना, खड़े हैं आप आपके आसपास, तो एक शोर ना करें। बहनों यहां भी जगह है, चुपचाप बैठ जाइए। भाई लगभग शांत हैं, बहनें बीच में खड़ी हैं, तो माता बहनों बैठ जाओ। आपसे कब से कहे जा रहे हैं कि बैठ जाइए, अपनी जगह ले लीजिए, आपके पीछे भी संगत है तो आप खड़े हैं बीच में, कितना अजीब लगता है। हाँ बैठ जाएं, शाबाश, बहुत समझदार बहनें हैं, बहुत सारी बैठ गई, ज्यादातर कुछ अभी भी खड़ी हैं तो बैठ जाएं। तो जो भी साध संगत सत्संग पंडाल में चल के आई है, आसपास से दूर दराज से बहुत सी साध संगत अभी भी आ रही है,
तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहदिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और अभी हमारे पास पर्ची आई है, जिम्मेवार नोट कर लें ट्रैफिक समिति भी, कि सूरामाली से कैंचियां तक जो कि 7-8 किलोमीटर है, और सूरामाली से हनुमानगढ़ रोड पर भी जाम लगे हुए हैं, तो वो जाके उसे खुलवाएं ताकि साध संगत जल्दी से जल्दी यहां पहुंच सके। और जो जब से शुरू होता है सत्संग के लिए चलना, तब से उसकी झोलियों में मालिक की दया में रहमत बरसनी शुरू हो जाती है। ये आद काल से निश्चित है। महाभारत काल में, रामायण काल में ये मिलता है कि एक कदम अगर आप सत्संग की तरफ चलते हैं सच्ची भावना से, तो वो महायज्ञ के समान होता है, उसका फल लाजमी मिलता है। और जब से आप सत्संग में बैठे हैं, शब्द वाणी चल रही है, ये भी परमपिता सतगुरु मौला की लिखी हुई वाणी है, तो जितनी देर से आप बैठे हैं उतनी देर से ही सत्संग का फल मिलना आपको शुरू है। सो इसलिए आपसे गुजारिश, आप विराजिए, खास करके बहनों से शोर ना करो, माता बहनों आराम से बैठ जाइए और कोई भी आवाज ना आए, यहां जगह दिखती है आपको, बैठते जाइए। तो प्यारी सत्संग जियों, हम जब आए तो बरसात का मौसम आप देख ही रहे हैं कि पंडाल बदला गया है। पहले पंडाल कहीं और था, गांव के नजदीक बीच में था, अब यहां। तो आए लोग कहने लगे, पहले तो वहां कहने लगे कि जब गुरुजी आएंगे तो बरसात आएगी, और बरसात इतनी ज्यादा आ गई, कहते अब इसको बंद करवाइए। मैंने कहा भाई सबको जरूरत है, हर कोई चाहता है कि बरसात हो, अपने बदल लेना डमडमा, हम क्यों बार बार कभी मालिक से दुआ करें छोड़ दे, कभी करें बंद कर दे, तो ये तो उसकी मर्जी है। पर फिर भी प्रार्थना तो जरूर करते कि शाम का भी प्रोग्राम है सेवादारों का, कि उसमें मालिक रहमत करें, बाकी उनकी मर्जी है। सो ये सब लोग जानते हैं, खास करके राजस्थान के लोग, कि बरसात कितना महत्व रखती है इनके लिए। तो ये तो मालिक की कृपा है, उसकी दया में रहमत है। तो अभी आपने भजन में सुना, सुन के विचार के और मन में ये धार के, नाम जप कर जीवन सफल करें। सुनो, विचारो और अमल करो। जब तक इंसान सुनता नहीं, अमल क्या खा करेगा, और जब तक अमल नहीं करता फायदा कैसे होगा। आप ये सुन लें, घी में, मक्खन में, बादामों में, चनों में ताकत होती है, सुन लिया पर उनको लेके नहीं आए तो क्या सुनने से आपको वो ताकत मिल गई? नहीं मिली। ठीक है, आपने सुना, विचारा, मतलब ले आए, अब बात रहेगी अमल करने की। अब सामने रख लो बादाम, घी, दूध, और उनको माथा टेकते रहो, धोक मारते रहो, क्या आपके शरीर में ताकत आ जाएगी? क्या आपके शरीर को शक्ति मिलेगी? नहीं मिलती, क्योंकि अमल जब तक खाते नहीं, मानते नहीं, तो कैसे फायदा होगा। अब उसे खा लेंगे, स्वाद का भी पता चलता है और ताकत भी आ जाती है। तो उसी तरह सत्संग है, सुनो, विचारो और अमल करो। मान लो, जब तक मानोगे नहीं कैसे उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा, कैसे पूर्णतः आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे। तो यह अति जरूरी है कि पीर फकीर जो अल्लाह वाहिगुरु की बात कहते हैं उसको सुनो, मानो, तो फायदा है। अगर मनमते चलना है
तो फिर आने वाले भयानक कर्मों का सामना आपको करना होगा। वो भयानक कर्म पता नहीं किस आड़ में कहां छुपे बैठे हैं, जन्मों जन्मों के भयानक कर्म। 84 लाख शरीर हैं, अगर एक एक कर्म भी माने तो 84 लाख संचित कर्म है। पर हर शरीर का एक कर्म नहीं है, जितना शरीर पावरफुल उतने ही काल महाकाल उनसे भयानक कर्म करवाता है। और वो कर्म जैसे पेड़ पौधे, हाथी, शेर, चीता, तो वो कर्म वो शरीर नहीं उठा सकते, कर सकते हैं लेकिन उठा नहीं सकते, इसलिए वो कर्म आत्मा के खाते में जुड़ते जाते हैं। मनुष्य शरीर ऐसा सक्षम शरीर है, ऐसा पावरफुल शरीर है, शक्तिशाली शरीर है, जो किसी भी तरह के कर्म को उठाने में सक्षम है, ताकत रखता है कि वो कैसे भी भयानक कर्म को उठा सकता है। तो वो सारे संचित कर्म काल इस शरीर पे डाल देता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर इतना सक्षम है, इतना सक्षम है कि ये प्रभु का नाम लेके, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेके इस मृत्यु लोक में मालिक को साक्षात प्रकट कर सकता है, उसके नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकता है, और जिससे जन्मों जन्मों के पाप कर्म चुटकियों में जल के राख हो जाते हैं। जब ही नूरी स्वरूप के दर्शन हुए तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। जैसे गुरु मंत्र लिया, इस शरीर में जो आपने पाप कर्म किए वो उसी दौरान कट जाया करते हैं, और जैसे जैसे आप सुमरण करते गए जन्मों जन्मों के पाप कर्म वन बाई वन कटते चले जाते हैं। कर्मों का दायरा बड़ा ही जबरदस्त है, तो वो संचित कर्म आपके साथ जुड़े हुए हैं। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं पर आपको फल नहीं मिलता। कई बार आप अपनी खुशियों के लिए बहुत से कर्म अच्छे करते हैं लेकिन खुशियां नहीं मिल पाती। कई बार बहुत बढ़िया कर्म करते हैं, कोई शाबाशी नहीं मिलती। इन सब का कारण है संचित कर्म। आपने इस शरीर में कोई गलत कर्म नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आपकी मेहनत सफल नहीं होती। उसका कारण एक ही होता है कि आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म आपके आड़े आ रहे हैं, आपके रास्ते में आ रहे हैं। उनको काटने के लिए आपने क्या किया ये बताइए। कहते जी बड़ा पुण्य किया, बड़ा लोगों का भला किया, सबके अच्छे के लिए सोचते रहे, प्रार्थना की। पुण्य करने से, अच्छा सोच लेने से पाप कर्म कटते नहीं, आने वाले टाइम में आपके अच्छे कर्म बन जाते हैं। पाप कर्म काटने का चाहे वो देवी देवता हैं, देव महादेव हैं या इंसान हैं, एकमात्र उपाय प्रभु का सुमरन है, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद है। उसकी याद के बिना संचित कर्म नहीं करते, मन कभी नहीं रुकता। बहुत चंचल है आदमी का मन, चलायमान, गतिशील, ये कभी रुकता नहीं। जरा सी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये बात का बतंगड़ बना लेता है, राई का पहाड़ बना लेता है। कब ये
आसमान में चला जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में घुसा दे कुछ पता नहीं। बहुत लोग अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं मन के पीछे चल के, मैं ये बनूंगा मैं वो बनूंगा, मन सब्ज बाग दिखाता है। एक सत्संगी की बात उदाहरण के तौर पे आपको सुनाते हैं। कहते गुरुजी मैं जब इंडिया में रहता था यूं लगता था फॉरेन में जाके तो मैं उड़ने लगूंगा। कहता अच्छी भली जमीन थी, बढ़िया खेती बाड़ी करते थे, अपनी नींद सोते थे अपनी जागते थे। कहता ना जी गेर अड़ गया, जाऊंगा ही जाऊंगा, पता नहीं मैं क्या कर दूंगा जाके, होता है मन में। कहता गुरुजी मेरा नाम मत बताना, किया क्या वहां गया और लोगों की टट्टियां साफ करता हूं, सीवरेज, नौकरी नहीं मिली वहां, कोई नौकर नहीं मिलता, खुद खाना बनाता या लेना कहीं से खरीद के खाना, फ्रिजों में सात सात दिन का बासा खाना खाना। कहता ये नियति सी बन गई है। कहता फिर याद आती है वो खुली आबो हवा, वो आजादी, सब कुछ छिन गया। तो ये मन के कारनामे हैं। एक पुराने टाइम में गाना आया करता था, ना जा बरमेनू लेख जानगे नाले, कि ये जो कर्म है ना ये साथ ही जाते हैं, यहां मर्जी घूमते रहो, ये नहीं है कि वहां आपके लिए आओ जी बेड पे बैठो जी स्प्रिंग लगे हुए आपकी मसाज करते हैं आ जाओ, ऐसा नहीं है। यहां तो फिर भी मां बाप का साया अपनापन होता है, जब आदमी ज्यादा ही करता है तो कई बार वहां हार्ड वर्क करने पड़ते हैं, छक्के छूट जाते हैं, ना इधर आने का ना उधर रहने का, ऐसा लोगों ने बताया। हम तो मन की एक छोटी सी बात बताते हैं, इसको कुछ भी मिल जाए ये शांत नहीं होता। कितनी खुशियां मिल जाएं, कितना नाम मिल जाए, ना जी इसके तो यहां अब खेतों में से आए हैं तो बात ख्याल में आ गई। कई बार पानी लगाते हैं और पानी लगाते लगाते फावड़ा हिलने लगता, कहते यार इसके फाना ठोक दे गिल्ला करके, वो अच्छी तरह से एक दूसरे से फावड़ा लेके फाना ठोक देते, या कहीं ईंट पड़ी होती उससे ठोक देते। अब गिल्ला फाना एक बार चला गया फिर निकलता नहीं था क्योंकि फूल जाता था। वैसे मन का फाना है, जब ये अड़ जाता है ना फिर फूलता है और फिर निकलता नहीं, आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है। तो मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये पवजल में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे, ऐसा है मन। इसके कहने से ना चलो, ये गुरु से बेमुख दूर करवा देता है, भवसल में दुनियादारी में बुरा हाल करवा देता है। मन बड़ी जालिम ताकत है, बहुत ही जालिम ताकत। मन पे एक बात ख्याल में आई, एक बुजुर्ग औरत थी, आपको कई बार बात सुनाई, उसने घर में दो पालतू जीव रख रखे थे, एक बकरा और एक बंदर। बंदर आपको पता है चंचल होता है, वो टिकता नहीं, एक जगह बैठता नहीं, कूदता फांदता भागता दौड़ता रहता है। तो औरत एक दिन सब्जियां काट रही थी, कुछ फ्रूट वगैरह खा रही थी, अचानक ख्याल आया कि मेहमान आएंगे, कुछ सामान बाजार से ले आऊं। थोड़ा बादल थे, थोड़ा बरसात का मौसम तो नहीं था, लेकिन उसने सारा सामान वहीं छोड़ दिया। निगाह मारी, बकरा भी बंधा हुआ है बंदर भी बंधा हुआ है, वो चली गई सामान लाने। अब जब सामान लेके वापस आई तो क्या देखती है, बकरा खुला हुआ है, सारा सामान सब्जियां फ्रूट चट कर रखा है। अब बुढ़िया को गुस्सा आ गया, उसने डंडा उठाया, आप देखा ना ताप बकरे के देद दना दन देद दना दन। अब बंदर छलांगे मार रहा है, तालियां मार रहा है जोर जोर से। अब ऊपर से एक आदमी काफी देर से बैठा हुआ था, वो कहने लगा चाची ताई ये क्या कर रही हो। कहने लगी अभी कर रही हूं, मर जाने ने सारा खा लिया मेरा बकरे ने सामान, मैं पीटू नो था क्या करूं। कहने लगा ताई सुन, ये बकरे ने नहीं किया। कहता मैं देख रहा था
बंदर ने अपना रस्सा खुलवाया, सारा सामान चट कर गया, और जब सारा सामान खा लिया बकरे का रस्सा खोल दिया, खुद गल में रस्सा डाल के आराम से बैठ गया। अब पिटाई बकरे की हो रही है, कारनामा बंदर ने किया है, तो कारनामा तो आपका मन करता है, भुगतती आत्मा है, फिर आप तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, आपके सारे सब्ज बाग, बड़े बनाए महल पल में धराशायी हो जाते हैं। फिर ना तो वह मां, ना बाप, ना बहन, ना भाई, एक ही दोस्त, एक ही मित्र होता है, गुरु सतगुरु मौला दाता, अल्लाह वाहि गुरु गौड़ खुदा, क्योंकि गुरु उसका पता बताता है। आदमी अपने पीर फकीर को, सतगुरु मौला को याद करता है तो वो तो हर जगह साथ देता है, पर अगर कोई उसका वचन ना माने, क्योंकि वचन तो वाहिगुरु राम अल्लाह का होता है, ईश्वर का होता है, और संत तो सुनाने वाले होते हैं, ये माइक की आवाज नहीं है, ये तो एक माध्य है, मीडिया है, जैसा बोलेंगे वैसा स्पीकरों के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा। वैसे ही फकीर एक माइक की तरह होते हैं, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिलालो, कि जैसा खसम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ख्याल देता है, वैसी ही आवाज आती है, वैसी ही बात आती है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई उस अल्लाह के, उस वाहिगुरु के, उस राम के वचन सुनो, और वचन सुन के अमल किया करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं करते, अजी वो तो बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात, सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, ये अलग बात है। लोगों को उनकी बात कई बार पसंद नहीं आती, क्योंकि संत मन के उल्ट बात करते हैं और लोग मन मते चलना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि बात तो हमारे वाली हो, मोहर संतों की लग जाए। कई बार आपको सुनाई एक बात और ख्याल में आ गई, बहुत पहले की बात, एक सज्जन आए और कहने लगे, गुरुजी मैंने ट्रैक्टर लेना है, कौन सा लूं? हमने कहा भाई कितनी जमीन है? कहता दो तीन एकड़, ऐसा कुछ बोला। तो हमने कहा आयशर ले ले, थोड़ी जमीन, थोड़ा खर्चा होगा, फायदा होगा। कहता जी हिंदुस्तान ले लूं। हमने कहा भाई हमसे पूछता है कि खुद बताता है? अगर हमसे पूछता है तो हमने तो जमींदारा किया है, हमें लगता है दो तीन एकड़ के लिए आयशर ठीक है, खर्चा कम रहेगा। कहता वो तो आपकी बात ठीक है, पर अगर हिंदुस्तान ले लूं? तो हमने कहा ले ले, लगवा ली ना मोहर, इसमें मोहर क्या है? आपका मन चलायमान है, आप मनमते चलना चाहते हैं, फिर एक दिखावे के तौर पे मोहर लगाना चाहते हैं कि लगा दीजिए। तो आप जब धक्का करते हैं तो वो संतों के वचन नहीं होते, आपकी मन मर्जी होती है। आप अपनी मन मर्जी को फकीर के सामने रख के खुद ही पास करवा के चले जाते हैं। संत तो मन के उल्ट बात करते हैं कि मन की ना मानो, ये लारे लगा के नरक ले जाए, बुरा होगा हाल। ये तो लारे लगाता है, तरह तरह के सब्ज बाग दिखाता है। तो आदमी को मन की नहीं सुननी चाहिए, अपने जमीर आत्मा की सुनो, पीर फकीर की सुनो। अहंकार के घोड़े पे सवार नहीं होना चाहिए, दीनता नम्रता धारण करो। जो जितनी दीनता नम्रता धारण करते हैं उतने ही मालिक के करीब हो जाते हैं। तो संत यही कहते हैं कि आप सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। सत्संग सुन के जब आप मान लेते हैं तो आप थोड़ी मेहनत में भी ज्यादा फल हासिल कर सकते हैं। सत्संग सुन के जब आप मान लेते हैं, पहाड़ जैसे रोग को कंकर के रूप में भोग के फारिग हो जाते हैं।
सत्संग की बात अगर आप मान लेते हो तो आपके अंत्यकरण की खुशियां चौगुनी 10 गुना हो जाती हैं। आपके अंदर आत्मिक शांति का संचार होता है, आपकी भावना शुद्ध हो जाती है, आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, किसी की बात कहने का सुनने का असर नहीं होता, अपने पीर फकीर की तरफ ध्यान हो जाता है। कई कहते जी बहुत देर होगी नाम लिए, अब नूरी स्वरूप के दर्शन हुए नहीं, अपनी गलती नहीं मानेंगे, सारा ठीकरा संतों के सिर फोड़ देते हैं, आपको बात सुनाते हैं भीलनी की, कई बार आपने सुनी होगी। कहते हैं जवानी की उम्र में उसे इश्क हो गया, ऐरे गहरे से नहीं, श्री राम विष्णु जी से, तड़पती रही और उसका एक दिनचर्या थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, सारा सुबह उठ के जल्दी, जंगल का बड़ा रास्ता था, कुटिया की पगडंडी थी, अपनी कुटिया बना रखी थी घास फूस की जैसी बन पाई, तो उस रास्ते से लेके कुटिया तक सुबह झाड़ू देती, जंगल वन में बहुत फूल थे, फूल तोड़ के लाती। जरा ध्यान से सुनिए, उस पर कब दीदार होंगे, शाम को उसी तड़प में जंगल से कुछ बींदती, खा पी के सो जाती, फिर सुबह उठती, उन फूलों को अलग कर देती, नए वाले बिछा देती, जो भी जाते उसे बावरी कहते, ये तो बावरी है, पगली है, अरे कौन बैठी है, पगली बैठी है, बिचारी के दांत भी चले गए, कुछ कुछ सफेद हो गया सिर, बुजुर्ग अवस्था आ गई, लेकिन वो रूटीन नहीं बदला, रोजाना सुबह फूल बिछाने, और बिछा के ये पगडंडी है सामने बैठ जाना, आएंगे भगवान, ऐसा तो हो नहीं सकता, भेलने की ना सुने, आएंगे जरूर, बैराग में रोती रहती, सुमरन करती रहती, और एक दिन सामने क्या देखती है, कोई जटाधारी बहुत ही खूबसूरत, और अंदर से पता चला कि मेरा भगवान आ गया, चला आ रहा है, और उसके साथ एक और नौजवान है, निगाह मारती है, अश्रुधारा आगे से डबल हो जाती है, ओ ये तो मेरे भगवान है, पांव को छूती है, अहो भाग्य, आजकल के कलयुगी जीवों की तरह उड़ांबे नहीं देने शुरू की थे, इन्ना चिर होगा आया नहीं, मर गई मैं था, ये कलयुग है, वो भी कोई टाइम था, आज तो थोड़े दिनों में पूछ टेढ़ी हो जाती है, बड़ खा जाते हैं बैठे बैठे। तो उसने कोई उलाहना नहीं दिया, कोई ताना नहीं मारा, पांव को चूमती है, आंखों पे लगाती है, हाथों को छाती पे लगाती है, पांव से लिपट जाती है, बैराग में रोती चली जाती है, अंदर घास फूस की एक सेज बनाई है, वहां बिठाती है, पांव धोती है, आपको दुख तो नहीं हुआ, आप मेरे लिए कितने जंगलों में कष्ट सहते हुए इस कच्ची सी झोंपड़ी में आके बैठे हो, कितना रास्ता तय करके आए हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, तड़पती है, बैराग बढ़ता जाता है, हो मैं कैसी पगली हूं, सारे पगली कहते हैं, मैंने तो आपको कुछ पूछा ही नहीं, पानी देती है, बेर रखे हुए हैं, चुन चुन के रखती है रोज, थोड़े खराब होते बदल देती है, और बेरों को खाना शुरू करती है, बेर खाती है, जो मीठा है वो श्री राम जी को देती है, और जो दूसरा उसको फेंक देती है, श्री राम जी खाते हैं, लक्ष्मण देखता है ये क्या कर रहे हैं भैया, अरे इसके जूठे बेर,
बुजुर्ग है, कपड़े बेचारे के फटे हाल हैं, पर ये तो भक्त और भगवान ही जानते हैं ना कि उसमें कितना आनंद होता है, कितनी लज्जत होती है। कहते प्रभु आपको कैसे लग रहे हैं, कहते सच बताएं भीलनी, कहते हाँ इतना स्वादिष्ट भोजन हमने जिंदगी में कभी किया ही नहीं। तो ये है मालिक के प्यार की बात, सच्चाई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और आज का कलयुग, आज भी भीलनी जैसे भक्त हैं जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के प्यार में डूबे हैं, पर ऐसे भी हैं भक्ति कम करते ताने ज्यादा देते हैं। यार कब से सिमरण कर रहा हूं, कब से भक्ति कर रहा हूं, तू चलो भक्ति को खरी कसबटी पे कर उतार के देख ले, क्या तेरे को गुस्सा नहीं आता, क्या अहंकार नहीं आता, क्या काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मोह ममता क्या इनमें नहीं डूबता? डूबता है तो अभी तक तो तेरी सफाई नहीं हुई, रूहानी स्वरूप कहां से प्रकट हो जाए? वो तो उस अदम इब्राहिम जो राजा था जिसके ऊपर कबीर जी ने कूड़ा करकट क्या गंदगी जब गिरा दी थी, तो उसने ये बोला था कि वाह पाने वाले मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। वो तो अभी दूर की बातें हैं, अभी तो तेरे अंदर का ही कचरा साफ नहीं हुआ। रूहानी स्वरूप यूं ही प्रकट हो जाए, होता है 100% होता है, लाखों के हुआ है, लेकिन जब हृदय साफ हो जाता है, भावना पवित्र हो जाती है, जब प्रबल इच्छा हो जाती है, आपके मन के अनुसार अल्लाह वाहिगुरु राम नहीं चलता, उसके अनुसार आपको चलना होता है। यही है रूहानियत, यही है सूफियत। ये नहीं कि आप जैसा चाहें वैसा भी होता रहे और नूरी स्वरूप भी प्रकट हो जाए, आ भाई तेरे बिना तो मेरे बाजू आंकड़े पड़े थे, ऐसा नहीं है। आपने उसको पाना है, वो तो आपको रोज ही देखता, उसने तो आपको बनाया है, ये नहीं कि वो आपको नहीं देखता, आपने उसको देखना है। तो अपने अहंकार को थोड़ा ढीला करो, खुद ही को इतना ना ऊपर लेके जाओ कि उसी में डूब जाओ, गिर जाओ और चकनाचूर हो जाओ। दीनता नम्रता धारण करना चाहिए, अच्छे कर्म सत्संग मिला और अच्छे कर्म आप सुन रहे हैं और अच्छे कर्म बन जाएंगे अगर सुन के अमल कमाएंगे। सारे रास्ते की बाधा दूर हो जाएगी, सारे बंधन टूट जाएंगे, पर अमल तो कीजिए। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो आपको समझाते हैं कभी माना करो, आपका दिल दुखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको छोटा बनाने के लिए हम नहीं बोलते। सबसे छोटे हैं हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, आपकी जुतियों में बैठने को तैयार है, पर हमारी ड्यूटी है, गुरु मुर्शिद ने लगाई, सो वो बोल के आपको समझा रहे हैं और कोई आप पे धौंस नहीं जमा रहे। आप अपने बेटे पे धौंस जमाते हैं जब बताते हैं कि बेटा अंगार है हाथ में मत लेना, बेटा ये सांप है हाथ में मत पकड़ो, क्या वो धौंस होती है? नहीं होती ना, वो केयर है, आप केयर टेक रहे हैं अपने औलाद की। वैसे ही जो भी भगवान की औलाद है वो सब की सब संतों की औलाद होती है, संत केयर टेकर होते हैं, वो बताते हैं ऐसे कर्म ना करो वरना भोगना पड़ेगा, ऐसा कर्म ना करो वरना भोगना पड़ेगा। आपको गुस्सा आता है और स्पिरिट कहां लगता है पता है आपको? आपको कई बार सुनाया है, अब एक फव रुई के छोटे से फवे में आप स्पिट भर लो और यूं बॉडी पे लगाओ, नहीं लगेगा, और यहां जख्म हुआ वहां चीख निकल जाती। वैसे लगाओ तो एंटीबायोटिक है, पर अगर आप में कमियां हैं तो चीख निकल जाती है, पसीने छूटते हैं, फिर इधर देखता है क्या करूं, फू फू मन कहते तेरी बेइज्जती हो रही है, हालांकि किसी को नहीं पता होता कि किसको कह रहे हैं, पर उसको खुद को लगते यार सारे देख रहे हैं तुझे कह रहे हैं। फिर सत्संगी क्या हुआ अगर आपको यही ना लगे कि तुझे नहीं कह रहे, वो तो फिर डमडमा तमाशा है, दिखाया चलते बने। सत्संग वही होता है जो हर किसी को लगे कि मुझे अच्छा आदमी है तो उसे अच्छी चीजें अच्छी लगती हैं,
और जिसने पाप कर्म कर रखे हैं उनको संतों के वचन थोड़े कड़वे लगते हैं यार, ये रोज यही बात सुनाने लग जाते हैं। इसलिए स्पिट को सहज मते से लो, आपका फायदा करेगा, आपका जख्म भर जाएगा। टेंशन ना लो, गुस्से में मत आओ, अकड़ो मत, अकड़ू चंद ना बनो, कभी नरम चंद भी बन जाया करो, पल्ले में डाल लिया करो वचनों को, ताकि फायदा हो जाए जिंदगी का। तो भाई हमारा काम तो समझाना है। स्कूल में जाओगे टीचर लेक्चरर अगर पढ़ाएंगे नहीं तो काहे की तनख्वाह, वो हराम की कमाई है। और अगर वो पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया, आगे मुरीद आगे शिष्य स्टूडेंट के ऊपर है कि वो उनके लेक्चर को, उनके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को कितना फॉलो करता है। फुल फॉलो करेगा तो 100% मेरिट लेके जाएगा, और लापरवाही में गपशप चुगली निंदा करता रहेगा तो फेल हो गई होगा। अब इसमें पढ़ाने वाले की क्या कमी है? तो भाई ऐसे ही गुरु पीर फकीर मुर्शिद होते हैं, वो सिखाते हैं, वो समझाते हैं, वो बताते हैं, आगे अमल करना तो आपके हाथ में है। इसलिए मन से लड़ने का मतलब सुमरण करो, सत्संग सुनो और अमल करो। खुद सुमरण नहीं करना, क्या आप घंटा सुबह शाम सुमरण करते जो आपकी हर बात मालिक यूं मान ले? फकीर कई कई बार रोजाना नाम जपो रे भाई, नाम जपो रे भाई, नाम जपो, वहां तो सोचते हैं कर देंगे यार, आज शुरू कर देंगे यार, भगवान का उल्हाना सा उतार देते हैं, लंबा जा ला के रख देंगे, विखी जाओगी, देखी की जाओगी। शाम को रोड पाड़ता और खुराटे मार मार के, मार मार के साथ वाले को भी नहीं सोने देता। कर लिया सुमरण, तड़के उठ के लंबे जरूर देगा। हाँ, होंगे जो नियमानुसार सुमरण करते हैं, बीज नाश नहीं होता, अच्छाई हमेशा रहती है। जो सिर्फ भक्ति का दिखावा मात्र करते हैं, कई सोचते हैं हमें मालिक की खुशियां मिली या उसको खुशियां मिली, यार उसने इतनी भक्ति तो कभी की नहीं, सुमरण तो कभी किया नहीं, फिर इतना मालिक के करीब कैसे पहुंचा, कैसे खुशियां मिली। संचित कर्म, बुरे कर्मों की तरह संचित कर्म भी होते हैं, संस्कारी रूहें जिन्हें कहा जाता है, जन्मों जन्मों में उन्होंने भक्ति की, जबकि काल की ही कर सकते हैं, लेकिन वो ये सोच के कि दयाल की कर रहे हैं, उन्होंने खूब भक्ति की पक्षियों में, जानवरों में, तो वो संचित कर्म भक्ति के हो गए। इस वजह से उन्हें मालिक की खुशियां नजदीकी हासिल हो जाती है। पर वो बरकरार रहे इसके लिए सेवा सुमरण करना अति जरूरी है। इसलिए सुमरण करो, सेवा करो, ताकि आपके पाप कर्म कटते जाएं और आप मालिक के कृपा पात्र बनते जाएं। जो वचन सुनते हैं, जो अमल करते हैं, उन्हीं के बेड़े पार होते हैं। भक्ति या तो रुचि से की जाती है या किसी संत पीर फकीर की बात सुनके। आदमी को खुद समझ नहीं आती। जब हम सब लोग मां के गर्भ से पैदा हुए, बोलना नहीं आता था, या तो बहन भाई की सुनी या फिर मां बाप की सुनी, और सुनते 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 माइंड कैच करता गया, करता गया, करता गया, उसमें शब्द फीड होते गए, होते गए, होते गए। जैसे आप पढ़ते नहीं, नर्सरी या जौन सी भी क्लास होती है, हमारे टाइम में तो कच्ची पहली और पक्की पहली ऐसा सुना करते थे, आजकल चेंज है। तो वो जो कच्ची पहली में ए आ ई ई वो सीखा करते थे, वो आप मां की गर्भ से जब बाहर आते तब, और मां के गर्भ में वो सारा फीड करते रहता है आपका दिमाग, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तो पहले एक शब्द बोलना शुरू करता है बच्चा, ओ आ ई ऊ, फिर पे पा, पापा बन गया या जो भी मतलब। तो जैसे जैसे शब्द वो सीखता जाता है, पहले एक शब्द, फिर दो शब्द, फिर तीन शब्द, फिर चार शब्द, और धीरे 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 गाड़ी चल पड़ती है और आप बोलने लगते हैं, हम सब बोल रहे हैं। तो उसी तरह भगवान की तरफ बढ़ना है, उसी तरह अपने संस्कारों को ऊंचा करना है, नीचे नहीं गिराना।
जैसे जैसे संस्कार बढ़ते जाएंगे आप मालिक के करीब होते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रभु का नाम जपते जाएंगे वैसे वैसे उसकी रूहानियत का ए आ कै का कै ख ग सब आने लग जाएगा, और धीरे धीरे दो दो शब्द, तीन तीन शब्द, चार चार शब्द, और फिर जैसे सरपट गाड़ी दौड़ेगी सतगुरु नूरानी स्वरूप में सामने प्रकट हो जाएगा, अपनी गोद में बिठा के रूहानी मंडलों की सैर करवाएगा और खुशियों से माला माल कर देगा। तो मेहनत तो करनी होगी, ये तो नहीं कि आप खुराटे मारते रहो और मालिक रहमत बरसा। दूसरों को बुरा ना कहिए, दूसरों पे ठिकरा मत फोड़िए, आप देखिए सहन शक्ति इंसान के अंदर आती है सुमरन से। जब सहन शक्ति बढ़ जाती है कोई कुछ भी करता फिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी स्ट्रांग हो जाता है, उसे बेचैनी अशांति नहीं होती, वो शांत स्वभाव हो जाता है। पर ये सुमरन से संभव है, जादू टोना मंत्र से नहीं। सेवा करते हो साथ में सुमरन करो, यकीनन सहन शक्ति होगी और उसी से परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाओगे। तो प्यारी सत्संग जियो, माता बहनों अभी तक आपने बोलना नहीं छोड़ा, आप चुप हो जाइए और भाई भी बैठ जाएं जो खड़े हैं, और पंखे वाले भाई चल फिर के पंखा करो, एक जगह रुको ना बेटा, एक जगह रुक जाते तो पीछे वालों को ओट हो जाती है, चलते रहिए, या धूप है वहां अगर आप पंखा करते हैं तो ज्यादा खुशी मिलेगी आपको, वरना कहीं भी करते रहिए, यहां धूप में कोई सेवादार अगर बैठे हैं तो ध्यान दीजिए, वहां जरूर पंखा लेके जाइए, घूम के पंखा दीजिए। तो प्यारी सत्संग जियो, आपकी चिट्ठियां, आपके पत्र, आपकी पर्चियां, आपकी स्लिप आई है और आप भेज सकते हैं, अगर कोई हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो जो मालिक ख्याल देंगे वैसे ही आपको जवाब देंगे। तो आपकी वो पर्चियां, ये भी सत्संग का एक अंग है, पढ़ के सुनाई जाएंगी, जल्दी से लिख के भेज दीजिए। अगर आप अपना कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल है, आपके आसपास सेवादार घूम रहे इनको पकड़ा दीजिए और सेवादार आगे यहां तक पहुंचा दें। तो कुछ पर्चियां आई हैं उसका जवाब आपको देते हैं। हाँ जी चलिए। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, लखवीर इंसान रत्तेवाड़ा से। पूज्य पिता जी, सतगुरु गुरु को दो जहानों का वाली क्यों कहा जाता है, त्रिलोकी का क्यों नहीं, क्या त्रिलोकी सतगुरु से परे है जी? आपको पहले ये बता दें दो जहान होते क्या है, आपने सोचा तीन में से दो का है, ऐसा नहीं। कारण, यहां तीन तरह के शरीर पाए जाते हैं वो त्रिलोकी होती, अस्थूल सूक्ष्म काय, काय मतलब काया शरीर, जो दिखते नहीं है, वायरस बैक्टीरिया दिखते नहीं है शरीर, लेकिन है, ऐसे बहुत से शरीर है, उन्हें कहते हैं सूक्ष्म काय। और तीसरे शरीर होते हैं देवी देवताओं के, देव महादेवों के, जो अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा किया जा सकता है, उनकी परछाई नहीं होती, पारदर्शी कुछ भी कह लीजिए परछाई नहीं होती, यहां होते हैं उसे कहते हैं त्रिलोकी। ऐसी सैकड़े त्रिलोकियों को कहते हैं एक जहान, ये मृत्यु लोक में है, और दूसरा जहान यहां आत्मा जाती है शरीर नहीं जाती है। जैसे कमल का फूल किचड़ में रहते भी खिला रहता है, ऐसे दुनियादारी में रहते हुए ऐसा योग कमाओगे तो इस मृत्यु लोक में भगवान को पाओगे। फारूक इंसान ब्लॉक खजवाड़ा से। प्यारे पिता जी, नाम लेने के लिए लोगों को समझाते हैं फिर भी कम आते हैं, मगर दूसरी जगह बिना बुलाए चले जाते हैं, क्या काल उन्हें सत्संग में आने से रोकता है जी? जी हाँ, 100% तरह तरह के बहाने, तरह तरह के ख्याल देते हैं, पर आप जितना भी समझा के ले आते हो आपका सक्सेस है, मालिक आपकी सेवा मंजूर करेंगी करें। माता पिता अपने बच्चों से वैश्यावृत्ति का काम करवाते हैं, गांव गिरियावास रेवाड़ी हरियाणा में, आपके चरणों में अरदास है कि वहां जिम्मेवारों को भेजकर उन्हें समझाया जाए। जिम्मेवार नोट कर लें भाई, ये ऐसा तो राजस्थान मध्य प्रदेश में बहुत जगह पे है जो आपने बताया है कि उनके बहुत कर्म ही है वैश्यावृत्ति करवाते हैं, तो जरूर कोशिश की गई है और भी करेंगे कि वो इन चीजों से बाहर जाएं और अपने बच्चों को नेक कामों पे लगाएं। राजेश इंसान सात मेंबर भगवानपुरा से। पूज्य पिता जी, 29 जुलाई को पीलीबंगा में एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था जी, दो यूनिट खून देकर
आप जी की प्रेरणा से उसे खून दिया और उसकी जान बचाई जी। इतनी हिम्मत देना कि आपके वचनों पर यूं ही चलते। शाबाश बेटा शाबाश। किसी की जान और खास करके इंसान की। जब वो नाम चेक करवाने वाली समिति में गए तो उन्होंने कहा कि आपको दोबारा नाम लेना पड़ेगा जी, मार्गदर्शन करें जी। एक बार यहां मिल लीजिए, वरना दोबारा अगर उन्होंने नाम जाम सब ले रखा है तो उनसे पूछा जाएगा। अगर वैसे याददाश्त उनकी चलेगी और आपको पता है कि उन्होंने नाम लिया था 100%, आप उसकी गवाही देते तो एक दिन नाम याद करवा सकते। इन्होंने नाम नहीं लिखा पूजा जी, सिमरन की। सुमरन का ज्यों ज्यों अभ्यास करते जाते हैं तो असीम शांति, असीम ठंडक मिलती है। हाँ, अगर आप आग धधक का मतलब ये कहते कि चेहरे पे नूर आता है तो वो तो दसवां द्वार पार करने के बाद जब मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं तो चेहरा नूरो नूर हो जाता है। अंजू इंसान दिल्ली से, प्यारे पिताजी अगर सुमरन करते करते नींद आ जाए और रात को नींद खुलने पर भी सुमरन चल रहा हो तो उसका ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। बलीराम सूरतगढ़ से, गुरुजी रूहानी संगत व संगत में क्या भेद है जी? भाई रूहानी सत्संग का मतलब होता है कि आ जाता है, संगत तो आम आने वाले लोगों का एक भीड़ को भी जो रूहानियत की तरफ आती है कि संगत आ रही है, साथ संगत आ रही है, तो क्यों ना उनसे उसको बचाया जाए जिसकी आयु बहुत लंबी है और लंबी देर तक रह सकता है, उसके हो सकते कर्म अच्छे बन जाए के। तो ये हमारे ख्याल से आत्मरक्षा गलत नहीं। अजमेर सिंह इंसान निर्वाणा श्री गंगानगर से, पूज्यता जी श्री गुरुसर मोड़िया में शास्त्र राम जी सार्वजनिक अस्पताल में डॉक्टर साहिबानों की कमी है तथा यहां अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है जिससे मरीजों को श्री गंगानगर हमने हर बार लिखाया है पर इन्होंने हमें कभी नहीं बताया। सच ये भी है, यहां तो हम लिखा देते हैं उसके बाद कोई नहीं बताता कि डॉक्टर मिले नहीं मिले, हम झूठ क्यों बोले। तो अब अगर हो सके तो बता दीजिए, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं भाई कि हमें बताना, डॉक्टर यहां भेजिए और जल्दी ये पूरा कंप्लीट कीजिए यहां डॉक्टर जो कमी है। किसी की जिंदगी बचाने के लिए की गई दुआ कबूल क्यों नहीं करता? क्या दुआओं का कोई मोल नहीं? 100% मोल होता है, पर अगर किसी की उम्र उतनी ही लिखी हो और भक्ति बिल्कुल जीरो, अब मरने वाले के टाइम आप जाके भक्ति करने लग जाओ ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है। अब पौधा सूखने वाला तब कहो बरसात क्यों नहीं, बरसात क्यों नहीं, अब वो तो सूख गया बरसात हो ना हो। तो शुरू से अगर भक्ति की जाए तो रोग आते नहीं लेकिन मृत्यु आती है, उसको कोई टाल नहीं सकता। हाँ, बेहद भक्ति की जाए तो मालिक तो मुर्दों में भी दोबारा जाने। इंसान को काल के बनाए एजेंट या मनमुख लोग कई अड़चने या रास्ते में कांटे बोते हैं, परेशान करते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक सच्चे इंसान के लिए क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें जी। मजबूती से, दृढ़ता से सच के राह पे चलते रहना चाहिए। समाज है ही ऐसा, पता नहीं किसको क्या डर रहता है सच्चे लोगों से, भावना से तरह तरह के हथकंडे जाल अपनाते हैं ताकि उनको रोका जा सके, पर सच्चाई पे चलने वालों को दृढ़ता। स्थान या सत्संग पर जाने से पहले अगर कोई सेवा या परमार्थ का कार्य मिल जाता है तो दोनों में से कौन सा कार्य पहले करना चाहिए? सत्संग रूहानी मजलिस अगर है तो वहां पहुंचिए, पर अगर ऐसी सेवा है जो आपको ये जोड़ती है कि जैसे मान लीजिए नाम वाले जीवों को आप भेज रहे हैं, भेजते रहिए सत्संग से आप पिछड़ जाते हैं, फिक्र मत कीजिए। के बाद मेरे डैडी और मेरे कपड़े घर से उठाए गए, उसके बाद मेरे डैडी का 3-4 बार एक्सीडेंट हो गया जिससे हमारे घर वालों के मन में शक पैदा हो गया है कि कहीं ये अपशगुन तो नहीं करता। कोई आप उपशगुन नहीं है, किसी ने शरारत की होगी, कोई उठा के ले गया होगा, उससे एक्सीडेंट से क्या मतलब, ऐसे तो सबके कपड़े उठा लो एक्सीडेंट हो जाए। म्यूजिक फ्यूजन और डांस की दीवानी है, युवाओं की इस दीवानगी को आप जिन्हें रूबरू नाइट प्रोग्राम चलाकर ईश्वर की भक्ति के साथ जोड़ दिया, जो युवाओं पर बहुत बड़ा आप जी ने उपकार किया है जी, इसके लिए आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमें तो ख्याल देते रहते हैं हमारा सतगुरु हमारा दाता रहे पर, वैसे वैसे बेटा आपकी सेवा में हम तो अर्ज करते रहते हैं, तो ये उनका रहमो कर्म है जो आप लोग इतने खुश होते हैं, इतना जबरदस्त तरीके से आपके अंदर भावना हो जाती है, तो ये सब मालिक की कृपा है, उसका रहमो कर्म है। तृप्ति और प्रभजोत इंसान स्वीट रोजीज ब्लॉक से, प्यारे पापा जी भगवान और देवी देवता को भगवान ने ड्यूटी पे लगाया कि आपने ये क्षेत्र संभालना है। अनिल इंसान ब्लॉक कैरी से, पूजनीय पिताजी आपके चरण कमलों में अरदास है कि एक ऐसी वीडियो कैसेट उपलब्ध करवाई जाए जिसमें आप और आप जी द्वारा की जाने वाली कड़ी मेहनत की वीडियो हो ताकि नए जीवों को दिखाकर उन्हें नाम शब्द के लिए प्रेरित किया जा सके। जी ऐसा सोचा जा रहा है, बनाई जा रही है। पूजा चाहिए शास्त्र राम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज श्री गुरुसर मोड़िया के बच्चे व स्टाफ अवतार माह की खुशी में और 3 बच्चों की रोल बॉल इंटरनेशनल में सिलेक्शन होने की खुशी में 70,770 रूपये जमा करवा चुके हैं और बॉयज स्कूल श्री गुरुसर मोड़िया के बच्चे व स्टाफ 51,000 रूपये जमा करवा चुके हैं जी, आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं। ये बैंक में खाता है
शास्त्र हमने गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग का, पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में आप लोग तरक्की करो, आगे बढ़ो, मालिक से दुआ करते हैं। सो नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद बेटा। कूलर व एसी लगाए गए हैं, प्रशासन ने इसके लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वह 15 अगस्त पर उप जिला कलेक्टर महोदया ने ब्लॉक को सम्मानित किया है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात, किसी के भले के लिए जो भी कदम आप उठाते हैं, शाबाश। समूह सात संगत राजस्थान, पूज्य पिताजी श्री गुरुता है, बिहारी लाल नंदेवाली ढाणी से। पूज्य गुरुजी सहपाठी बिहारी लाल नंदेवाली ने नाम दान लिया था, एक एक्सीडेंट में गंभीर चोट लगने से याददाश्त चली गई थी, अब थोड़ी थोड़ी याददाश्त आने लगी है, मैं गुरु मंत्र भूल गया हूं, कृपया करके आप जी अपने पवित्र श्रीमुख से आशीर्वाद प्रदान कर मार्गदर्शन करें। जी आशीर्वाद बेटा, और आप यहां जिम्मेवार हैं, जिनकी ड्यूटी, आप उनसे नाम याद करवा लें, और यहां तक और दूध में डाल के, ठंडे दूध में, गर्मी के मौसम में आप पीते रहिए, दिन में 2 बार 3 बार, या फिर पानी में भी आप पी सकते हैं, ठंडे पानी में, उसका बहुत फायदा है दिमाग के लिए। सिद्धार्थ इंसान श्री करणपुर से। पूज्यपता जी, सात संगत की संख्या को देखते हुए ग्रीनेस के सेवादारों की संख्या बहुत ज्यादा, ग्रीनेस फोर्स ज्वाइन करेंगे, उस ब्लॉक को सम्मानित किया जाए जी। और पिताजी, आप जी अपनी मधुर आवाज में एक स्पेशल सिर्फ ग्रीनेस फोर्स पर भी सीडी निकालो जी, जिसमें ग्रीनेस के लिए शब्द हों जी। जी आपका सुझाव बहुत ही अच्छे हैं बेटा, और जरूर ऐसी कोई ट्रॉफी दी जाए, और जिस ब्लॉक में शास्त्री गिनने से पहले फिर फोर्स विंग के सेवादार ज्यादा भी हैं और ड्यूटी पे भी ज्यादा आते हों, सेवा भी ज्यादा करते हों, तो ऐसा सारे ब्लॉकों के लिए आप एक ट्रॉफी रख दें, किसी बारे में दी जाएगी। शाबाश, बहुत अच्छी बात कही आपने बेटा, आशीर्वाद, मालिक खुशियां दें। सत्यनारायण इंसान नई मंडी घड़साना में 50,000 का चेक काटकर लेकर गए थे, कैशियर ने हमें 50,000 की जगह 1,00,000 रुपए गलती से दे दिए, और आप जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए, आप जी की रहमत से ही हमने 50,000 रुपए उसे वापस कर दिए। कैशियर ने आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि जिसकी शिक्षा के कारण हमने उनको पैसे लौटाए। शाबाश बेटा, शाबाश, मालिक बेहद खुशियां दे और दया में रहमत से नवाजे, बहुत आशीर्वाद। यहाँ पत्रकार समाज को मिलना, प्रसाद ले लेना बेटा, आशीर्वाद। अंग्रेज इंसान संग्रिया से। पूज्यपता जी, भारत और विश्व में इतिहास में अनेक पीर पैगंबर और समाज सुधारक हुए जिन्होंने सामाजिक बुराइयां दूर की, वह समाज में महिला उत्थान का कार्य किया, जिसके कारण हमारा सिर खुद ब खुद उनके आगे श्रद्धा के साथ झुक जाता है किए हों, और कुल क्राउन मुहिम तो पूज्यपता जी समाज का आईना बदलने वाला है, और वास्तव में ऐसे कदमों से जेंडर रेशो पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। इसमें अतिरिक्त पूज्यपता जी, शायद ही कोई पीर हुआ होगा और जिन्होंने लोक भलाई में इतने काम किए और अपने शिष्यों की आध्यात्मिक शिक्षा में इस कदर सुधार किया हो, हम खुश नसीब हैं जो खुद खुदा रूप में सतगुरु मिला, और पूज्यपता जी हमें इस काबिल बनाओ कि समाज सुधार का महायज्ञ में हम भी भाग लेते रहें। जी बेटा, मालिक रहमत करें, दया में रहमत करें, सब सतगुरु करवाने वाले, हम तो खाकसार हैं भाई, सो मालिक खुशी दे, बहुत बहुत आशीर्वाद। जसवंत गुजारा राव गांव रामपुर न्योला से। पूज्य गुरु जी, आप जी के मार्गदर्शन से डेरा की ओर से कन्या भ्रूण हत्या रोकने, नशा इत्यादि रोकने की चलाई गई मुहिम का असर काफी हद तक पड़ा है। डेरे द्वारा हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप चलाए गए अभियान प्रशंसनीय है, इस अभियान के तहत श्री गंगानगर शहर को भी साफ करने की कृपा करें जी। जी हमने तो बिल्कुल इसके लिए तैयार था, सब साथ संगत भी तैयार होगी, दिन भी निश्चित हो गया था, बाकी आप लोग जानते, कई लोगों को नहीं अच्छा लगता, पेड़ पौधे लगाते कहीं उसे उखाड़ देते, बड़ी हैरानी होती है कि भाई ये पेड़ पौधे तो सबकी औलाद का भला करेंगे आने वाले टाइम में, उसी तरह सफाई महाअभियान किसी एक के लिए नहीं होता, काम तो अच्छे कर्म करना है भाई, आगे अगर कोई आप सहयोग देते हैं तो ही वो कर्म हो सकते हैं। गुलशन अरोड़ा पत्रकार कंचन से। पूजा गुरु जी, गत दिनों सुरावाली के समीप हुए स्कूल बस हादसे में 12 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई जी, इस हादसे के जिम्मेवार लापरवाह लोगों को कड़ी सजा मिले, हादसे में मृत बच्चों की आत्मा को शांति मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना है। इस हादसे से सबक लेकर अन्य स्कूलों के संचालकों को भी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटनाएं फिर कभी ना हो। जी बेटा, हम तो मालिक से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कोई दुर्घटना कभी ना हो, और हर किसी को जिम्मेवारी उठानी चाहिए कि ऐसी घटना कभी होनी ही नहीं चाहिए, पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए, ये तो जिम्मेवारों पे निर्भर करता है। सो मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक रहमत करें। पूज्यपति, श्री गुरुसर मोडिया में अवतार महीने के भंडारे की खुशी में सतब्रह्मचारी और गुरु ब्रह्मचारी बेटियां नाम वाले जीवों के लिए 11,000 और सतब्रह्मचारी सेवादार भाई 11,111 रुपए इन्होंने बैंक में जमा करवाए हैं।
जी आशीर्वाद मालिक से ओढ़ने पे, सेवा सुन में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, सो बहुत बहुत आशीर्वाद प्रशाल। आप जी के पावन अवतार दिवस 15 अगस्त की खुशी में यूके की साथ संगत ने लंदन के ईस्ट हैम एरिया में सफाई अभियान चलाया। लगभग 100 सेवादारों ने इस मुहिम में भाग लिया। यहां सफाई अभियान के दौरान सभी लोग हैरान धन्यवाद करने लगे, वह सफाई रखने का प्रण भी किया उन्होंने। वहां के एमपी स्टीफन टीमस ने आप जी का धन्यवाद किया। साथ संगत यूके आप जी का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हुए, आप जी ने इंसानियत की ऐसी शिक्षा दी, सेवादार आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा शाबाश, और आप फार्म भी भरवाया करें और वो फार्म यहाँ भेजा करें ताकि पता चले कितने लोगों ने कसम ली कि भाई हम भी आगे से सफाई रखेंगे। तो विदेशों में कनाडा व जर्मनी की साथ संगत नाम चर्चा कर रही है जी, लंगर व डाला है प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं जी। आशीर्वाद बेटा आप हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, सेवा सुन में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद। साथ संगत द्वारा डोनेशन कैंप लगाया जिसमें 32 यूनिट रक्तदान के है, आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां। सुरेंद्र इंसा व गुरविंदर इंसा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से लाए मैसेज। प्यारे पिताजी एक सुझाव है जी, जो लड़कियां किसी की दरिंदगी का शिकार हो जाती है और उनके माँ बाप उनका इलाज करवाने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि दिल्ली में एक 14 साल की लड़की के चेहरे पर किसी ने तेजाब फेंक कर उसका चेहरा खराब कर दिया था, तो इस तरह के केसों में सात संघ द्वारा उन लड़कियों की सहायता की जाएगी जी। जिम्मेवार नोट कर लें और इसको जरूर लागू करने के लिए जरूर तैयार होंगे और जरूर बताएंगे, जरूर सात संघ साथ देंगे। आखिरी प्रश्न है जी राजेंद्र इंसा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिताजी हमारे यहाँ ब्लड की जगह प्लाज्मा लेते हैं, तो क्या यह ठीक है जी? बेटा अगर वो सिस्टम है कि वो वैसा लिया जा सकता है और उसमें शरीर को कोई तकलीफ नहीं, डॉक्टर साहबान इस बारे में बता देंगे, तो आप फिर आप ऐसा कर सकते हैं। तो प्यारे सत्संगियों ये आपके सवाल थे, और हाथ से जो गई आजू उसे पछताए ना, बाकी जो बची है आजू उसको गवाए ना, रहे समझाए शास्त्र नाम जी पुकार के, नाम जप कर जीवन सफल करें। तो सच्चे मुर्शिदे कामिल दाता रहबर ने यही फरमाया भजन में पूरे में जो आपको बताया कि नाम जपिए, भगवान की भक्ति कीजिए, जो बीत गई सो बीत गई, जो रह रही है कहीं वो ना भगवान के नाम के बिना बीत जाए, वर बड़ा आपको परेशानी होगी। तो इसलिए प्रभु के नाम से नाता जोड़ के रखो, काम धंधा नहीं छोड़ना, धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना, कोई पैसा पाई खर्च नहीं करना, बस आप मालिक की भक्ति करें, मालिक से दुआ करें, सुमरण करते रहिए, नाम ले लीजिए, तो यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से आप माला माल हो जाएंगे। सो प्यारे सत्संग जी, और विदेशों में भी सत्संगत बहुत बैठी है, उनकी हाजिरी लगाना चाहते हैं। न्यूजीलैंड में पामरस्टन नॉर्थ, ऑकलैंड टोरंगो, चाइना में वेंजो विजिंग नींबो, यूके इंग्लैंड में साउथ हॉल, कार्डिफ लंदन लेफोर्ड, आयरलैंड स्कॉटलैंड इलफोर्ड मेडनहेड, फिलीपाइंस में मनीला तगुम सिटी, जर्मनी में वर्लिन ऑरिच रोस्टॉक हेमवर्ग ब्राउन स्विस डुसलडॉर्फ फ्रैंकफर्ट, और ऑस्ट्रेलिया में बलगुलगा मेलबर्न सिडनी गोल्ड कोस्ट ब्रिस्बेन पर्थ एडिलेड, और यूएई में अबू धाबी अजमान सिटी करामा सिटी मसाफी शारजा दुबई, अमेरिका में बोस्टन वर्जीनिया न्यूयॉर्क स्टैमफोर्ड कनेक्ट आयोवा सैक्रामेंटो फ्रीमोंट कैलिफोर्निया सियाटल वाशिंगटन सांता क्लारा लॉस एंजलस, इटली में रोम बेरगामो तरबीचो बरोना बिचिया, कनाडा में ओकविले मिसिसागा ब्रेमपटन टोरंटो हैमिल्टन एडमंटन, और बाकी के देशों में नाइजीरिया साउथ अफ्रीका स्पेन स्वीडन बेल्जियम ऑस्ट्रिया फ्रांस आर्मेनिया कुवैत सऊदी अरब कतर साइप्रस जॉर्जिया ओमान नेपाल हांगकांग सिंगापुर मलेशिया जापान साउथ कोरिया, और भारत में हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तराखंड गुजरात आंध्र प्रदेश कर्नाटका केरला महाराष्ट्र तमिलनाडु जम्मू कश्मीर उड़ीसा बिहार झारखंड गोवा पश्चिम बंगाल नागालैंड। तो ये लाइव नेट के द्वारा सब जगह पे साथ संगत देख रही सुन रही हमें नजर आ रही, तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। और प्यारी साथ संगत जियो, विवाह शादी वाले परिवार आए हैं,
अभी नाम दिया जाएगा, जो गुरु मंत्र लेना चाहते हैं पीछे बैठे हैं तो आगे आ जाएं, उसके बाद जाम पिलाया जाएगा साथ की साथ। तो शादी वाले जो परिवार दिंदु के मध्य में 10,077 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद, मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 4 मेंबर, शरीरदान का 4 मेंबर, दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम राम सिंह इंसा, पुत्र केबल सिंह इंसा जी का निवासी लादूवाड़ा, जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़की का नाम अमनदीप इंसा, पुत्री ठंडू राम इंसा जी की निवासी गोडिका, जिला सरसा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़मा डालें। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। भाइयों बैठ जाओ, आप खड़े क्यों हो गए, कम खड़ी हुई थी, बैठ जाओ, शादी हो गई, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ, बैठ जाएं, हाथ जोड़ के विनती है, बैठ जाएं। ये शादी पहले से तय होती, हमने कहा ये तो शादी पहले से तय होती है, सो बैठ जाओ, शादियां हो गई, बैठ जाओ, शाबाश। तो प्यारी सास संग जियो, अब गुरु मंत्र नाम दिया जाएगा, 5 मिनट के लिए हम जाते हैं, फिर यहीं पे बैठ के गुरु मंत्र देंगे, और यहीं है पीछे वो बैठ जाएं जिन्होंने पहले नाम ले रखा है, वो लंगर भोजन ले सकते हैं, और बाद में रूहानी जाम सबको पिलाया जाएगा, पहले नाम प्रसाद फिर लंगर भोजन दिया जाएगा। तो 1-2 मिनट के बाद या 2-4 मिनट 5 मिनट के बाद आपकी सेवा में आते हैं। आप इतनी देर में कनात वगैरह लगेगी, जो नाम लेना चाहेंगे वो आराम से बैठ जाएं, थोड़ी देर में आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो बहने